हेलो स्टूडेंट्स, और सब कैसे हो? आई थिंक गाइस आप सब लोग जेई की प्रिपरेशन में लगे होंगे, जो अप्रैल में होने वाला एग्जाम, तो ऑल द बेस्ट उसके लिए। आज हम लोग जो है एमिटी का जो कॉलेज है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो कॉलेज कैसा है, सॉरी कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी है वो, और उसके कितने कैंपस है, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, और इस बार क्या नया रैंकिंग उसकी बहुत अच्छी आई हुई है। तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, उसका मोड ऑफ एडमिशन क्या है, और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां 12% के बेस पे एडमिशन ले सकते हो, और वहां पे डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन है, और उनका एमिटी जेई होता है, उसके थ्रू भी होता है, और स्कॉलरशिप्स का मुझे वहां पे काफी अच्छा सीन दिखा, और उसके बाद प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छे हैं। बस ये है, थोड़ा सा कॉस्टली है, तो अच्छे जो जिनका बैकग्राउंड अच्छा है सिर्फ उन्हीं के लिए है आई थिंक, क्योंकि इसकी फीस स्ट्रक्चर तो जेपी नोएडा हो गया, आपका धीरू भाई अंबानी हो गया, या थप्पड़ हो गया, उन सबसे ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। इसकी सबसे पहले ऑनरशिप तो प्राइवेट है, और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो आई हुई है 34 है। तो इसमें नंबर ऑफ कैंपस कितने हैं ये जरा हम देखते हैं। नंबर ऑफ कैंपस तो इसके 10 है, एक तो आपका एमिटी नोएडा हो गया, और उसके बाद इनका एक कैंपस ग्वालियर में है, जयपुर में है, और आपका झारखंड में भी है, लखनऊ में भी है अपने यहाँ। तो इस तरीके से टोटल आपके 10 कैंपस है। हम कैंपस के बारे में नहीं जाएंगे, जो मेन कैंपस है आपका इनका ग्रेटर नोएडा में है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वही, क्योंकि ज्यादा अच्छा जो रैंकिंग आई हुई है उसी कैंपस की आई हुई है, तो उसी के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बाकी प्लान्स तो सारे कैंपस में इनके सेम है, लगभग जो मेन कैंपस आपको मानो अगर तो यही है अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पे नंबर ऑफ कोर्स ऑफर जो है, मतलब कितने कोर्स है यहाँ पे, 30 टोटल कोर्सेस है। इन्होंने बहुत अच्छे, मतलब इंटरनेशनल इनके टाइप्स भी काफी अच्छे हैं, एक डोमेस्टिक लेवल पे तो इनके काफी अच्छे है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आप मोड ऑफ एडमिशन यहाँ जो होता है, तो यहाँ पे दो तरीके से होता है। एक तो इनका 12% की बेस पे होता है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं, तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड वाला देख लो आप, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है। तो 93% अगर किसी बच्चे का आया 12th में 93%, तो इनको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा देते हैं नोएडा कैंपस में, और इनके अदर कैंपस में भी यही सेम सीन है। अगर 88 से 93% के बीच में है तो इसको 50% स्कॉलरशिप मिलनी है, अगर 70 to 80% है तो आपका अदर कैंपस में 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगा, और मैं जो नोएडा कैंपस में इसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो मेन चीज क्या है ना, मैंने जो उसमें प्लेसमेंट या फीस स्ट्रक्चर्स हैं अदर कैंपस की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपका सेम ही बैठेगा, बस ये है कि थोड़ा ब्रांडिंग इसका ज्यादा है, और यही मेन कैंपस ही फेमस है ज्यादा। तो स्कॉलरशिप होगा, मोड ऑफ एडमिशन इनके दो ही है। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट मोड है, डायरेक्ट मोड अगर आप 80+ है तो आप खुद वहां पर जाकर डायरेक्टली ले सकते हो। उसके बाद एक आता है एमिटी जेई का फॉर्म जो कि 1100 रुपए का है, अभी ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाकर उसको भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद वो अपना एमिटी उसे अपने मेरिट बेस पे एक काउंसलिंग कराते हैं, उनका एक अलग काउंसलिंग प्रोसीजर होता है एमिटी का। अगर आपने एमिटी जेई दिया हुआ है तो आपको उसके प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा, आप स्पोर्ट कोटा के थ्रू भी जा सकते हैं, जो कि आपको स्पोर्ट ट्रायल और डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए फॉलो करते हैं। तो ये तो हो गया मोड ऑफ एडमिशन, तीन तरीके से हैं। आप अगर 80+% है, आई थिंक 80+% तो काफी सारे बच्चों को आ जाता है, अगर जिनका भी बजट इश्यू नहीं है तो वो इस कैंपस में जाके स्टडी कर सकते हैं, काफी अच्छा कैंपस है। अगर कैंपस के बारे में बात करें तो यहाँ पे कैंपस बहुत बड़ा है, 1200 एकड़ का कैंपस है यहाँ पे, ठीक है। अगर फीस स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पे यार, तो इनका फीस स्ट्रक्चर भी दो कैटेगरी में था, एक स्पॉन्सर्ड और नॉन स्पॉन्सर्ड। तो यार मैंने एट एन एवरेज ले लिया है, तो 3 लाख पर ईयर यहाँ पे इनका फीस स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है, कहीं पे 3.5 के राउंड तक हो सकता है मैक्स टू मैक्स, और बिलो तो आपका 3 होगा, और 1 लाख आपका हॉस्टल होगा, तो अराउंड मान के चलिए 4 लाख रुपए पर ईयर। तो आपका अगर 4 साल आप बीटेक करते हो तो आपका 16 लाख में जाके बीटेक कंप्लीट होगा। एक यहाँ पे और एक अच्छी चीज है यार, कि यहाँ पे एजुकेशन लोन की फैसिलिटी यहाँ पे दे रखी इन्होंने, एजुकेशन लोन की इन्होंने फैसिलिटीज दे रखी हुई है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कोर्सेज मैंने आपको बताया 30 अवेलेबल है यार। एक पार्ट में तो सारी चीजें नहीं, हमने इतना मतलब डीप में डिस्कस नहीं किया, जैसे आपके स्कॉलरशिप हो गया इस पे उन्होंने और डीप में उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यार, सबसे पहले तो इसका 60% आपका पीसीएम होना चाहिए, और 12th में भी 60% एटलीस्ट तो होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आप इससे, अगर आपका इससे कम है तो उसका एक ऑप्शन और है, आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा सकते हैं, या आप वहां पे जाके डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि उसके लिए क्या प्रोसीजर है, या आप चेयरमैन वगैरह के रेफरेंस से भी वहां पे आ सकते हैं, या आप किसी का लेटर पैड वगैरह लेके भी। तो मोड ऑफ एडमिशन से यार सारे अलग अलग हैं। अगर आपको एमिटी वगैरह के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपका कोई मतलब आप किसी अदर कैंपस के बारे में आप बोलना चाहते हैं, वीडियो बनाइए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एक चीज और है, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो या क्वेरी हो, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और
यूपी टॉप 10 जो कॉलेज सीरीज चल रही थी तो सारा क्लोज हो गया। इसके बाद हम यूपी टू के जो टॉप 10 कॉलेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे एक हम यूपी में जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आपका एमिटी, अगर थोड़ा सा एक यूनिवर्सिटी और है सिमनार्दन यूनिवर्सिटी, वो भी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद आता है आपका बीबीएयू लखनऊ है जो कि एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो एक बहुत मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है और इतनी ब्रांडिंग नहीं है उसकी, ना ही इतना ज्यादा फेमस है। फिर आपका है एक बीएचयू जो आपका बनारस में है, तो सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और आपका एएमयू हो गया, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटीज है, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यार। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।